हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज हम लोग लेके आए वापस से ये वीडियो अलोक इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। अभी अगर इसका प्राइस देखो 29.39 रुपीज चल रहा है। ये लाइव मार्केट का प्राइस है, क्लोजिंग के टाइम अप एंड डाउन हो सकते हैं प्राइस में चेंजमेंट, तो वो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा क्लोजिंग का। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या इसमें लेवल्स और टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आज आप लोग देखो अलोक इंडस्ट्रीज की हम लोग की जो आज की डे कैंडल है वो डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। डोजी कैंडल कैसी फॉर्म होती है, ऐसी जिसमें हम लोग को क्लियर समझ में आता है कि मार्केट में इनडिसीजन आ चुका है। ना तो बायर्स अब ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ना तो सेलर्स उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो करना क्या चाह रहे हैं वो जानते हैं इस वीडियो में। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप लोग आलोक इंडस्ट्रीज की हम लोग की पुरानी वीडियो जो लेटेस्ट थी परसों डाली थी उसमें देखो कि हम लोगों ने बताया था मार्केट अभी आलोक इंडस्ट्रीज ने ब्रेकआउट दिया 26 रुपए के आसपास और इसका टारगेट हम लोग 28 रुपए तक का रख सकते हैं। हम लोग का 28 रुपए का टारगेट डन हो चुका है और बल्कि ज्यादा ही 29 रुपए तक आ चुका है। हम लोगों का देखो टारगेट 29 रुपए का क्यों था, 28 रुपए के पास में क्यों था, टारगेट वैसे हम लोग का 30 रुपए का था और आज के दिन हाई उसने 30 रुपए का मारा भी, बट हम लोगों ने 28 रुपए पास बुकिंग इसलिए बोली थी क्योंकि 30 रुपए पास आप लोग को इतनी जल्दी एग्जीक्यूशन करना पड़ता। जैसा कि आज देख सकते हो मार्केट ऊपर खुली और तुरंत नीचे आ गई। इसका रीजन क्या होता, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने क्या किया यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस एरिया था, मैंने रेजिस्टेंस एरिया पुरानी वीडियो में पहले से मार्क करके रखा हुआ था और बताया भी था सबको। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो अब की चैनल को हम लोग को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। ठीक, इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया पे हम लोग को क्या देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मार्केट में अब यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब हम लोग को आगे करना क्या है उसके बारे में जानते हैं। दो तीन दिन तक मंडे तक की यानी कि हम लोग वेट करेंगे और डोजी का क्या करेंगे, हाई मार्क कर लेंगे, लो मार्क कर लेंगे। मान लो ये हाई है, ये लो है, ओके, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे हाई और लो मार्क करके। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट करता है, अगर ये हाई ब्रेकआउट कर देता है तो ये तो स्टॉक बूम होने वाला, आराम से 34 से लेके 40 रुपए तक का टारगेट दे जाएगा। बट अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है, फेल हो जाता है, तो ये जो इतनी तगड़ी मोमेंटम आई है ना, रैली आई है मार्केट में, वो यहाँ पे थोड़ी सी सस्टेनेबल के लिए अपने आप को थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा। डाउनसाइड अपनी जो रैली, इसमें बहुत ज़्यादा पावर आई है, पोटेंशियल आया है, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज करेगा, उसके बाद एक फ्रेश रैली दिखाएगा। अभी क्या करना है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। अब और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ब्रेकआउट आया या ब्रेकडाउन आया आप तक ये वीडियो पहुँच जाए अगली आने वाली। See you soon in the next video.